नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता है आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के आम गांव निवासी कुंदन सिंह ने बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और मामले में दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। कुंदन सिंह निवासी आम गांव के अनुसार उनके चाचा को शराब पिलाकर अवैध रूप से उनसे जमीन बनामा कराने का गांव के ही सूरज जगजीवन सिंह दावा करते हैं और पैतृक भूमि पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। जब भी पीड़ित खेती का काम करने जाता है, उसको दबंग लोग खेत से भगा देते हैं। विपक्षी के पास लाइसेंसी के साथ ही अवैध असलाह है, जिसके बल पर दबंग की जाती है। पीड़ित के अनुसार एसपी ने मौके पर पुलिस के जाने की बात कही है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि वहां पर पहले ही पुलिस मौजूद है, पुलिस के सामने ही दबंगई की जाती है, फिर क्या उम्मीद जताई जाए कि मामले में सुनवाई होगी, उसकी सुनवाई की जाती है या नहीं। इसी मामले को लेकर पीड़ित ने आरोप लगाते हुए सारी बातें कही हैं। आज सुनाते हैं पीड़ित ने और क्या कुछ कहा। कुंदन सिंह, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जमीनी है, जो हमारा पैतृक जमीन है। अवैध रूप से मेरे चाचा को बाला फुसला के, नशे में बुत रहते हैं, उनको बाला फुसला के उनका खेती लिखवा लिए हैं। उसका जो चल रहा है कोर्ट में केस, अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा नाम चढ़ गया, इसके लिए पूरे पैतृक जमीन पे खेती नहीं करने दे रहे हैं। और गांव के कुछ दबंग लोग को लेके अपने को प्रधान बताते हैं, है नहीं प्रधान बताते हैं, जैसा गाड़ा हो गया, जीएस हो गया, अवैध रूप से कब्जा किए हैं, कोटेदार को साथ में लेके, खुद का लाइसेंस है, लाइसेंस हथियार दिखा के अवैध रूप का हथियार भी लेके आते हैं, जबरदस्ती खेती नहीं करने दे रहे हैं। क्या नाम है? सूरज जगजीवन सिंह। मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। तो आप कब गए थे खेती करने के लिए? मैं सैटरडे को मॉर्निंग में गया था 8 बजे। मेरा बीज बोया जा रहा था, आधा खेत बोया था, उतने में वो 4-6 लोग को साथ में लेके आए और जो मेरे मजदूर थे उनको हड़काने लगे और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। तो आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया? जी हाँ, मैं उद्यापन दिया हूँ। आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन बोले कि अभी पुलिस प्रशासन जाएगा, जो कि पुलिस वहाँ खड़ा है, तब भी पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उनका ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं मैं 1,00,000 रुपया घूस भी दिया था एसओ को। कितनी जमीन का मामला है लगभग? मेरा जो पूरा खेती है उस पर 1/4 का वो मांग रहे हैं, बट उसमें मेरी फुआ का जो दावेदारी है वो, उनको भी हम लोग 1/5 का चल रहा है मैटर। तो हम लोग का कहना है कि कोर्ट द्वारा वो अपना बंटवारा दाखिल करें और आगे कब्जा लें, ऐसे मौखिक रूप से नहीं देंगे। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जब तक केस चल रहा है तब तक हम अपने पैतृक जमीन पर खेती करते रहें, जब कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमारा भी फैसला माने, हम प्रशासन के अधीन नहीं जाना चाहते, प्रशासन के दायरे में ही काम करना चाहते हैं। आज आप इसके साथ से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि अभी आप, मैं फ़ोन करता हूँ वहाँ से, आपको पुलिस प्रशासन जाएगी, जो भी हेल्प किया जाएगा, अब वो तो सामने जाने के बाद मालूम पड़ेगा।